देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोदी सरकार 3.0 के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। बता दें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम सरकार में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। इसके लिए वह आज शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजधानी गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आज केंद्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण के चलते दिल्ली में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। इनमें पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइड्स, यूएवी, यूएएसएस, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले पायलट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। दिल्ली के क्षेत्र में ये पाबंदी लागू रहेगी। T20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच आमना सामना आज US स्थित न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मैदान पर भारत अपने पहले मैच में आयरलैंड को हरा चुका है, इससे टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन आज होगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान PTET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। राजस्थान PTET प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट PTETVMOU2024.com के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की ओर से आयोजित JEE एडवांस का परिणाम आज सुबह जारी होगा। वहीं परिणाम के अगले दिन 10 जून से IIT, NIT, IIIT व GFTI में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। चंडीगढ़ से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आज रद्द रहेगी। राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, इसके चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। बता दें कि वहां का डायवर्जन किया गया है। अजमेर तक जाने वाली ट्रेनों को खातीपुरा स्टेशन से चलाया जाएगा। आज महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्ष 1985 से निकल रही शौर्य यात्रा इस वर्ष भी बड़ा गणपति से हर्षोल्लास एवं लाव लश्कर के साथ निकलेगी। खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तर पर ट्रायल लिए जाएंगे। इसको लेकर खेल विभाग तैयारी में जुट गया है। 9 से 11 जून तक होने वाले ट्रायल के लिए सभी कोच की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले ट्रायल में 23 खेलों के ट्रायल किए जाएंगे। ट्रायल देने आने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट फोटो लाना अनिवार्य है। बुधवार रात कई जगहों पर हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज फिलहाल मौसम ऐसे ही बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1900 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1949 में भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन सन 2006 में म्यूनिक में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई। आज ही के दिन सन 2008 में अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।